बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी। और मैं हूं मोहम्मद यासिर। और हमारा आपका साथ बना रहता है सुबह 9 से 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। और आज भी आपके सामने मौजूद हैं बहुत सारी खबरों, तबसरों और बेबाक तस्वीरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे, आज भी कोई अच्छी खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। अफसोसनाक वाकया हब में, जहाँ मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के साथ में हलाकतों की तादाद 27 हो गई है। बिल्कुल जी, बलूचिस्तान के इलाके बेला में ये हादसा पेश आया और इसके हवाले से अभी तक जो मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक एक ट्रक जो कि खड़ा हुआ था, जो डीज़ल जिसमें था मुसाफिर बस, उससे टकराई है और उस टकराने के बाद उसमें फ़ौरन से आग लगी और आग लगने के बाद उसमें जितने भी मुसाफिर सवार थे, 35 के करीब ये बताया जा रहा है कि मुसाफिर थे, लेकिन 26 उसमें से जाँ हो गए। बिल्कुल जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। जाँ अफराद में जो बताएं आपको, तो बच्चे खवातीन भी शामिल हैं। तमाम लाशें ईदी सद खाने मुंतकिल कराची में की गई हैं। DNA टेस्ट के बाद ही वर्षा के हवाले की जाएंगे। बिल्कुल जी, बॉडीज़ क्योंकि बिल्कुल म्यूचुलेटेड हैं और जलने के बाद उनकी शनाख्त जो है वो मुश्किल है, तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन जैसे अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है उसके साथ ही हमने देखा इससे पहले भी एक अफसोसनाक खबर जिसके ऊपर बात हो रही थी, आज एक और अफसोसनाक खबर आपके लिए। इब्तदाई तफ्तीश सामने आ गई है रिपोर्ट की, जो बनाई गई थी साहिवाल में, और CTT एहलकार कत्ल के जिम्मेदार करार पाए हैं। और देख लीजिए जी, कल इतना हमने गम गुस्सा यहाँ पे अपना जाहिर किया, ना सिर्फ हमने बल्कि पूरा मीडिया इस एक खबर के ऊपर, इस हादसे के ऊपर एक चांद था, एकदम एक आवाज़ होकर बात कर रहा था कल, और उससे पहले भी जब ये वाकया हुआ उसके बाद से लेकर अब तक, और फाइनली उसका नतीजा भी सामने आया कि आखिरकार कबूल नहीं पड़ा कि CDT इस सारे वाकये की जिम्मेदार करार है और कातिल भी वही है। और जी इसी तरह की जो तफ्तीश में इब्तदाई जो बताई जा रही है रिपोर्ट, वो यही आ रही है। और इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल कहा, फाइनली किसाने साहिवाल पर आवाम का गम गुस्सा जायज़ है, जिम्मेदारान को मिसाली सजा दी जाएगी। बिल्कुल जी, मिसाली सज़ा देंगे क्योंकि इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं, कतर के दौरे पर हैं, और वहाँ से वापस जब आएंगे तो उसके बाद ये फैसला होगा कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। लेकिन GIT की रिपोर्ट के हवाले से जो बातें की जा रही थी वो अब सामने आ चुकी हैं। बहरहाल शाम तक जो है वो तफसीली रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन ज़िम्मेदारों का तयन हो चुका है। और इससे पहले जो नामालूम अफराद के खिलाफ ये FIR काटी गई थी, अब इसमें ज़िम्मेदारों का तयन हो चला है। साथ ही साथ जी, कल वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब ने कहा कि साहिवाल वाक़े की GIT रिपोर्ट कल आएगी, इस पर एक्शन लेकर दिखाऊंगा। जब उनसे मीडिया ने बात की और सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि आज यानी कि शाम 5 बजे तक जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे पता है कि एक्शन लेना है और वो कर भी दिखाऊँगा मैं ही। बिल्कुल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, लेकिन इससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात है वो ये कि इससे पहले जो वाक़यात होते रहे हैं उसमें ज़िम्मेदारों का तायुन भी हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जैसे इमरान खान साहब की स्पीचेस आप देख रहे हैं कि उसके क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर, जिसमें वो हमेशा कहते थे कि इसमें ऑर्डर जो लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वाक़यात के, अब देखना ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो क्या सिर्फ उन एहलकारों की हद तक ही कार्रवाई करेंगे या जहाँ से ऑर्डर्स आए थे जिनकी वजह से ये तमाम ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट हुआ है उनको भी सज़ा मिलेगी या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। दूसरी जानब आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात हुई है। बिल्कुल जी, आम मुलाकात समझी जा रही है और ख़ास तौर पर LNG के हवाले से कोई बताया जा रहा था कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है, जिसका अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दौरे के अख्तिताम पर इसके एलामिये में ये बात भी शायद जाहिर कर दी जाए। दूसरी जानब आपको ये भी बताएं कि कौमी असम्बली इजलास भी साने साहिवाल पर बहस सियासत की नज़र ही हो गई कल। बिल्कुल जी, एजेंडा कल सस्पेंड हुआ और सानिया साहिवाल को जो है वो डिस्कस किया गया। अपोजिशन ने इसको खासी तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और वही हुआ जो हर बार होता आया है। हुकूमत ने हमेशा माजी के जो जितने वाक़यात हैं उनको बार बार दोहराया और ये कहा कि अगर माजी में अगर इन वाक़यात के हवाले से कोई कार्रवाई हो जाती तो यकीनन आज ये दिन ना देखने पड़ता। आपको ये भी बताएं कि अलजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म यानी कि उनकी अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलबी हुई है। बिल्कुल, नैब से जवाब तलबी भी हो गई है और इसके साथ साथ आज की जो आम खबर है वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जेल में जो तबीयत है वो नासाज बताई जा रही है। हकीबुल्ला महसूद के कत्ल का वाकया हुआ, मावरा अदालत कत्ल किया गया और राव अनवार उसमें मुलबिस पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो ये सारा जवाब इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से है, जो कभी उनको बहादुर बच्चा कहते थे, अब वो ये कहते हैं कि उनको बरी कर देने में सारा अदालत की जिम्मेदारी। दूसरी जानब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत जो है वो भी 23 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है।
बिल्कुल जी, एक के बाद एक केस इससे पहले नोटिसेज लिए गए हैं। अब देखना ही है कि केस की हियरिंग के बाद फैसला क्या आता है, ये जानना ज़रूरी है। और इस तरह और भी बहुत सारे केसेस थे जिनके ऊपर नोटिसेज लिए गए थे। अब देखना ही है कि उन ज़ेर अल्तवा केसेस के ऊपर कब फैसले होते हैं। बिल्कुल जी, दूसरी जानब आपको बताएं, मुसाफिरों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। एमिरेट्स की बात करेंगे, एमिरेट्स एयरलाइन ने मुसाफिरों के सामान के वजन में कटौती कर दिया जी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान से सूरत हाल क्योंकि मुख्तलिफ होती है, पूरी दुनिया में जो एयरलाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो गई हैं, और जिसकी वजह से उनके ऑपरेशंस बढ़ भी रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन भी हो रही है। सिवाय पाकिस्तान के वाहिद मुल्क हैं जहाँ पर जो है फ़्लाइट ऑपरेशंस जो स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, और दुनिया भर की एयरलाइन इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि ये जो ट्रैवलिंग है उसको सस्ता और आसान बनाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। बहरहाल, इस सामान के हवाले से क्योंकि गुंजाइश ज़्यादा होती जा रही है पैसेंजर्स की, इसलिए सामान को कम किया जा रहा है। अब होता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। 16 जनवरी को एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें वज़ीर आज़म खान की नाअहली के लिए दायर पिटिशन को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदआ भी की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर्मिनल लॉ और चीफ जस्टिस मियाँ गुल हसन ने उसी रोज़ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजार की इस्तदआ मंजूर भी की थी, और अब जी ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई। बिल्कुल जी, फौरी इस्तदआ की गई थी कि केस सुना जाए, लेकिन केस की नौइयत को जाँचने के बाद इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया जी। जी, इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जी। कराची से आपको बताएंगे, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कत्ल का मामला था, उस इल्ज़ाम में, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में जो है खातून समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है जी। बिल्कुल जी, यहाँ ज़रूर फुर्तियाँ दिखाई जाएंगी क्योंकि मामला एक पुलिस एहलकार के कत्ल का है, और इससे पहले जो खबर आई थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। पुलिस के हवाले से एक दफ़ा फिर एक फैमिली को निशाना बनाया गया, और उसकी भी तहकीकात जारी हैं। तो देखना ही है कि इस केस के अंदर कितनी पेशरफ्त होती है, कितनी तेज़ी दिखाई जाती है, क्योंकि बात पुलिस अहलकार के कत्ल के मामले। तो जब होता है साने साहिवाल के हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने हमसे कोई राबता नहीं किया, राबते का दावा झूठा है, ये कल खलील जो भाई है मकतूल का, वो जो है भाई मकतूल खलील का जो है वो कल इस बात की भी निशानदेही कर रहा था और वजाहत कर रहा था। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया था कि उनके जो लवाकीन हैं उनके साथ कोई मुलाकात भी हुई है, 2 करोड़ रुपए के करीब जो इमदाद देने की भी बात की गई है, और हर तरह की जो तिब्बी सहूलतें हैं वो भी फराम करने की, और इसके अलावा बहुत सारे दावे किए गए थे, लेकिन उनकी कलई खुल चुकी है। जो लवाकीन में से एक शख्स हैं जो उनके भाई हैं मकतूल के, उन्होंने ये बताया है कि अब तक पंजाब हुकूमत ने किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। थोड़ी सी बाहर चलते हैं, बात करते हैं मुल्क से बाहर जाएं, तो आपको बताएं कि तालिबान ने अफगान इंटेलिजेंस बेस पर हमला किया है जिसके नतीजे में 26 अहलकार बताए जाते हैं कि हलाक हुए हैं जी। कल अफगानिस्तान से बड़ी खबर आई है, और तालिबान ने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगान जो है उनको निशाना बनाया है, और ये एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा अब वाक़ा है। बहरहाल, पाकिस्तान की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है वाक़े की, और इससे पहले भी इस तरह के वाक़ात पेश आते रहे हैं। देखना यह है कि ये पीस प्रोसेस जो है जिसकी बात हो रही है किस तरह आगे बढ़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन अभी भी नज़र आ रही है, और ये वो जोन है खासतौर पर अफगानिस्तान का जहाँ ये वाक़ा हुआ है, जो बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है बना हुआ है। बिल्कुल, जिसके अलावा बहुत सारी खबरें, आज बात करेंगे कुछ लोकल इंतज़ामिया के हवाले से भी जी। इस वक्त शहर कराची में बारिश का एक नया सिलसिला जो दाखिल हुआ है 2 रोज़ कबल, उसमें वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। कल के रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, आज भी सुबह बारिश होती रही, और परसों तो तेज़ बारिश हुई थी जो जौहर में सबसे ज़्यादा मिली लीटर जिसमें रिकॉर्ड किया गया। बाकी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मिली लीटर जो है बताए जा रहे थे कि बारिश के जो है वो रिकॉर्ड किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश जौहर में बताया जा रहा था कि हुई थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है बारिशों का वो जारी है, सारी है कराची के अंदर, लेकिन उसके बाद जो लोकल इंतजामिया और जो सूबाई हुकूमतें उनके दावे भी धरे के धरे रह गए, वो भी खुल गए, इस पर भी आज बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसके बाद जो नुकसान हुए हैं उसके हवाले से बात करने का ज़्यादा मौका इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि कल बड़ी अफसोसनाक खबर थी जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, लेकिन आज उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कराची में गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त कोई भी हमें अमला नज़र नहीं आ रहा, ना DMCs का, ना लोकल गवर्नमेंट का, किसी भी हवाले से हम देख रहे हैं कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ जो शहर की सूरत हाल है उसके ऊपर ख़ास तौर पे हमने बात करनी है कि जब बारिश का पानी अब जाएगा उसके बाद जो तबाही है वह अभी से नज़र आना शुरू हो गई, तो इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए। बिल्कुल जी, एक मेयर कराची होते हैं वो नहीं नज़र आ रहे, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जी वो नज़र नहीं आ रहे, और अभी भी जी बातें हो रही हैं वफाक के ऊपर और इसके ऊपर उसके ऊपर। बहरहाल, अपने काम अगर हर कोई कर ले तो फिर हाल से मुश्किल यहाँ देखनी पड़े।
वेल आवाम और हम बेचारे परेशान, और क्या कर सकते हैं सिवाय क्रिटिसाइज करने के, कुछ नहीं हो सकता कि इनको तनकीद का निशाना ही बना सकते हैं कि जी आप इस काम को बेहतर कर लें, लेकिन अब ये लोग भी इतने ढीठ हो चुके हैं मेरे ख्याल से कि इनको कोई असर नहीं पड़ता। वेल गॉड नोस इस पर सब बात करेंगे आज, लेकिन ब्रेक पर अभी जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आज के वार्डरोब की बात करेंगे। आज का वार्डरोब में स्पॉन्सर किया है मीशाज कलेक्शन ने जी, और बहुत खूबसूरत कलर है विद डिफरेंट स्टाइल, अच्छा पैटर्न बनाया गया है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पे इस वक्त जिस तरह का वेदर है उसमें मज़े मज़े के कलर जिस तरह के पहनने बड़े अच्छे लगते हैं। लाइट पर्पल इंडिगो काइंड ऑफ कलर है ये, और ऑफ वाइट के साथ इसको बनाया गया है। सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा जो है वो काम करिए मीशा। और मीशाज डॉट कलेक्शन के नाम से फेसबुक पर इनका पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी इनका पेज है, और साथ ही साथ ऑनलाइन का ज़माना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको ड्रेस पसंद आए। तो बहुत खूबसूरत कट्स पे डिज़ाइन किया गया है और फैब्रिक भी बहुत मज़े का, सर्दी के आके बाहर किया। थैंक यू सो वेरी मच मीशा सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। इसी के साथ एक ब्रेक पे चलते हैं, फिर जब वापस आएंगे आप नहीं जाना स्टेडियम में, फिर गुड मॉर्निंग करा देंगे। और गुज़िश्ता रोज़ भी खबरें कुछ अच्छी आपके लिए नहीं थी मौसम के हवाले से। यकीनन हमने आपको आगाह किया, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल रही है उसके हवाले से बहुत सारी शिकायत हमें मौसूल हुई। हमारे प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे लोग अपने पैगाम भेजते हैं, और कमोबेश कराची के तमाम ही इलाकों से बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उस हवाले से लोगों ने आगाह किया, और वही चाहते हैं कि इस हवाले से आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जाए। यकीनन इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारी है ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल के बाद वो बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हुई नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से शहर कराची जो है वो उसकी सूरत हाल मज़ीद अबतर होती जा रही है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला है कि बारिश के बाद कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं ख़ास तौर पर जो सेंट्रल का एरिया है, ईस्ट का एरिया है, तमाम इलाकों में पानी जो है वो बारिश का इस वक्त ताहल मौजूद है, और इंतज़ामिया सिवाय बयान देने के इसके अलावा कुछ उनका जो है वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा, और ये एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जी जहाँ पे इतना बड़ा शहर है कराची की अगर बात करें, वहीं पर हमने देखा कि इंतज़ामिया की जो बातें थी, जो दावे थे, जो उनकी कलई थी, वो अगर कहा जाए खुल गई है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जो शहर का हाल है वो हम सबके सामने है। कल भी चार चार घंटा ट्रैफिक स्ट्रक रहे, ये पाँच पाँच घंटे लोग सड़कों पे खार हो गए, रुल गए बिल्कुल। आप बताएं कि क्या हालात हैं। बिल्कुल जी, और उसके बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा तब हो जाती है जब लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है, और यहाँ पर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो या कोई भी मौसम हो, यहाँ पर लोड शेडिंग जो है तबातुर के साथ जारी रहती है। बहरहाल लोड शेडिंग के हवाले से भी बहुत सारे इलाके कराची के ऐसे रहे जहाँ पर 12-12 घंटे लोड शेडिंग रही है, और के इलेक्ट्रिक से जब रब्ता किया जाता है तो वही कहते हैं कि तमाम इलाकों में बिजली बहाल है, और कहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है कि बिजली जो है वो ना आ रही हो। तो ये बहुत सारे इलाकों से शिकायत ये भी मौसूल हुई कि वहाँ पर बिजली जो है वो गुज़िश्ता रात से नहीं थी। तो ये सारी सूरत हाल है, जो मैं सिर्फ चंद लम्हों की बारिश होती है वो पूरा एक मुकम्मल घंटा भी बारिश नहीं हुई, जिसके बाद ये सूरत हाल रही है। और आने वाले वक्त के हवाले से जो पेशगोई की जा रही है मेट ऑफिस की जानिब से, वो ये कि पीर के रोज़ से दोबारा एक नया सिस्टम जो है वो बारिश का एक दाखिल होगा, और बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों में बारिश की इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन कराची शहर में भी बारिश के इम्कान हैं, और उसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं वो अभी तक कुछ नज़र नहीं आते। और जैसा भी हमारी बात हो रही थी कि सिर्फ बयान की हद तक जो है वो रहता है, वज़ीर बल्दियात ने जो वो DC साहब को जो है वो ऑर्डर कर दिए, इसके अलावा जो चेयरमैन अपना मेयर साहब हैं उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ऑर्डर्स कर दिए, लेकिन ग्राउंड पे इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो सूरत हाल जूँ की तू है, और अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंतज़ामी हरकत में आएगी, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं आई। तो देखना ही है कि इस सारी सूरत हाल के बाद शायद उनके ऊपर कोई असर होता है या नहीं होता, ये तमाम चीज़ें देखने की। बिल्कुल जी, स्क्रीन पर नंबर आपको अभी थोड़ी देर बाद नज़र भी आ जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि आपसे इस वक्त ये जो सेगमेंट होता है इसमें आपसे बात करें, आपकी कॉल्स लें और आपके मसाइल भी सुने, और साथ ही साथ उन्हें एड्रेस कराने भी की भी कोशिश करें। आज थोड़ी सी लोकल गवर्नमेंट इशूज़ के हवाले से बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, लेकिन अभी जो बात करते हैं वो थोड़ी सी खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं जी। साहेवाल से, सानिया साहेवाल की जिस तरह से बात हो रही है बार बार, उसी पर बात करेंगे जी। बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि वाकया ऐसा
कि जिसके ऊपर जो है वो शर्मसार होना चाहिए था हुकूमत को, और जो है वो नादिम होते इनिशियली तो वही अग्रेसिव और वही एक हॉस्टाइल एटीट्यूड नज़र आया। अब थोड़ा थोड़ा सा उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि मामला कितना पेचीदा और संजीदा है। समझ नहीं आता कि हमें कैसे अंदाज़ा हो जाता है कि मामला क्या है क्या नहीं, और इनको इतने बाद में जाके पता चल रहा होता है। पहले अल्लाह खैर करेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जिस सारा कह रहे हैं वो अपनी बातें जो हैं उनको पूरा करेंगे। एक लाइव कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। ये जो हफ्ता चल रहा है बड़ा सानिया का है, अल्लाह ताला ऐसे हफ्ते दोबारा ना लेके आए पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। बात यह है कि बारिश जो हुई है, बारिश के बारे में ठीक है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं आपके चैनल के तौर से, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं इसे, तो कराची की आवाम से गुजारिश है कि जब बारिश का पानी बारिश होती है तो वो सड़कों को ना खोदें और सेवरेज के ढक्कन ना हटाएं, क्योंकि ये अगर आप सेवरेज के ढक्कन हटाते हैं तो उसके अंदर सारा गंद चला जाता है, मिट्टी चली जाती है, जिससे सेफ्टी मैन होल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, लाइनें चौक हो जाती हैं, और आने वाले टाइम के लिए सेवरेज का निजाम धर्म भरम और तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी दो चार दिन की तंगी बर्दाश्त कर लें, ये नहीं कि फिर तबाही हो जाए सेवरेज लाइनों की। अब दूसरा ये है कि जो बलोचिस्तान के रास्ते जब आपकी तरफ एक वाकया हुआ है, ये बहुत बड़ा सानिया है। ये हुकूमत से मेरी अपील है कि ये जो टैंक ड्रम जो है पेट्रोल के जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं आखिर? पेट्रोल के ड्रम में क्यों लेके जाते हैं? क्या कोई देखने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है, इसको देखें। तीसरा, ये जो हमारा सानिया साहेवाल हुआ है, आज शाम 5 बजे कोई अच्छी खबर आनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और आप लोगों को सलाम है कि आप लोग हर उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हक और सच दिखाते हैं, आपका कोई रिश्तेदार नहीं, आप वही चीज दिखाते हैं जो सच होती है। तो जी आज मेरी GIT से अपील है कि आज 5 बजे बिल्कुल प्लस आनी चाहिए, ये ना देखें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु जैसा किरदार अदा करें जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु फैसले किया करते थे। हमें इंतजार है कि अल्लाह ताला के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे फैसले करने की हुकूमत को तौफीक दे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और शाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपने मॉडल कॉलोनी से कॉल की कराची से, और जी ये लोगों के जज्बात एहसास हैं जो वो बयान करना चाहते, कोशिश यही होती है कि आपके जज्बात और एहसास को समझ के उनको एब्जॉर्ब करके उनको फील करके उनको डाइजेस्ट करके यहाँ पर प्रेजेंट करें। हमारी यही कोशिश होती है कि लोगों की बातों को हम उस तरह से समझ के दिखा सकें, बता सकें, उन जज्बात को ला सकें जो यकीनन आप लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं, और आप लोग समझते हैं कि उनको जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए स्क्रीन पर। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह को आपके जो K21 के नुमाइंदे शायद मेरे घर से वो रिपोर्टर थे, वो टीवी में बता रहे थे कराची का जो हाल है ना, सारा उसने बता दिया, और ये सुन के बहुत दुख हुआ कि देखो कराची की क्या हालत हो गई है। आपके रिपोर्टर बने थे शायद हुसैन साहब से, जी जी शायद आपको याद। जी 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 चले, लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, और नुमाइंदे के बारे में बता रहे थे। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जो कोशिश ये करते हैं कि पूरे कराची से जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है उसके हवाले से हमें आगाह करें, और रात गए से लेके इस वक्त तक वो फील्ड में मौजूद हैं। तो हमारी टीम हमेशा फील्ड में मौजूद रहती है, हमारी कोशिश यही होती है कि कराची के हवाले से जो ख़ास तौर पर ज़्यादा मसाइल हैं सफाई के हवाले से उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। बहरहाल आप लोग अपनी निशानदेही करते हैं मसाइल की, और हमारी कोशिश यही होती है हमेशा कि हम अपनी टीम के साथ मिलकर उन तमाम इलाकों को जाकर देखें भी, वहाँ के मसाइल को हाईलाइट भी करें और उसके ऊपर बात भी करें। दूसरी तरफ रियाज खान साहब ने चंद चीज़ों की निशानदेही की है। रियाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि खुद से लोग कोशिश ना करें चीज़ों को बेहतर बनाने की, लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया मौजूद नहीं है सड़कों के ऊपर, और गुज़िश्ता रात तो सूरत हाल ये थी कि ना कोई ट्रैफिक पुलिस अहलकार, ना किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी सड़कों पर नज़र आई, सड़कों के ऊपर लाइट ना होने की वजह से और जो सूरत हाल जो है वो पेचीदा हो गई। तो लोग अपने तई जितनी कोशिश हो सकती है वो करते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, इसलिए लोगों को जो है वो सामने आना पड़ता है और एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और गुजारिश बार बार ये करते हैं कि इस बारिश में, क्योंकि कराची ऐसा शहर नहीं है जैसे पूरी दुनिया में लोग बारिश को इन्जॉय भी करते हैं, बाहर भी घरों से निकलते हैं,
تفریح مقامات پر جاتے بھی ہیں کیونکہ شہر کراچی میں نہ کوئی تفریح مقامات ہیں نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے نہ سڑکوں کی ایسی صورتحال ہے تو آپ گزارش ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور بحالت مجبوری اگر کوئی بہت ضروری ہے آپ کو کام ہے تب آپ گھر سے باہر نکلیں اس کے علاوہ آپ گھر پہ رہنا جو ہے وہ زیادہ اس کو ترجیح دیں بالکل آپ نے صحیح کہا اور جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے اتنے بڑے میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر کی وہ شہر جو کہ اس وقت ہب ہے آپ کی پوری اکانومی کا آپ کی معیشت کا 70% ریونیو جو آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے مگر باوجود اس کے اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے افسوس کی بات ہے دل دکھتا ہے دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ حکومتیں تو ہیں یہاں پر نمائندے بھی ساری حکومتوں کے گورنر صاحب کی شکل میں یہاں پر وفاق کا نمائندہ موجود ہے سی ایم صاحب کی شکل میں یہاں صوبے کا نمائندہ موجود ہے میئر صاحب کی شکل میں یہاں لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ موجود ہے کمشنر بھی ہے ایک ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتے تھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے تھے کراچی کے اس وقت بھی وہ پوسٹ ہے نہیں یہ پانچ پوسٹ اس وقت کراچی میں جو ہے وہ اس وقت ہے مین پانچ پوسٹوں کی یہ جو فنگر ٹپس پہ آپ کو ہوں گی پتا ہے کہ جی گورنر سی ایم میئر کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر یہ پانچ پوسٹ ایسی ہیں یہ پانچ نمائندگان ایسے ہیں جو اگر اپنا کام کر لیں تو پھر یقیناً ان سارے مسائل کی جو ہے وہ طرف ہمیں نہ جانا پڑے اور ان کا ہم نہ شکار ہو بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں لیکن بڑی بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ابھی تک نہیں ہو سکی ہے جب بھی ہم اپنے پروگرامز میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے پلاننگ کی بات کی جاتی ہے اور بہت ساری باتیں کیونکہ باتوں کی حد تک ہی یہاں پر ڈیولپمنٹ یا جتنی پروگرس ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے بہرحال ٹرانسپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر مسائل ہیں لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے بیانات کے اور کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے اور معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے تو یہی وہ ساری باتیں ہیں جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی ہونا ہے جب بارش تھوڑی سی یہاں پر ہوتی ہے چھوٹا سا ایک اسپیل آتا ہے تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ پھر انتظامیہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈھال رہی ہوتی ہے اور ایونچولی ایک دو دن گزر جانے کے بعد معاملہ خود ہی پانی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خود ہی سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونا ہے بالکل جی اور ساتھ ہی ساتھ وہی اگین سعید غنی صاحب بیر کراچی میئر کراچی صاحب سعید غنی پر ڈالتے ہوئے نظر آئے اسے نظر نہیں آئے مجھے پتہ نہیں کہاں سے چھپ کے ٹکٹس بھجوا رہے تھے لیکن بہرحال اوکے اپ ٹو یو لیکن پوائنٹ از دس ایسی باتیں کیسے آئیں گی میڈیا پر یا ہر چینل کو کیسے فیس کریں گے یا ہر پروگرام میں کیسے بات کریں گے ڈیفینیٹلی اسی لیے نہیں بات کر پا رہے اسی لیے نہیں فیس کر پا رہے اسی لیے نہیں سامنے آ رہے کیونکہ کوتاہیاں ہیں غلطیاں ہیں نااہلی ہے ناکامی ہے اور اپنی منمانی ہے اور وہی پھر کرپشن اور ساری چیزیں اور یہ اور وہ اتنے کروڑ ادھر لگا دیے اتنے کروڑ ادھر لگا دیے اتنے ارب یہ لگا دیے اتنے خراب ادھر لگا دیے وہ پیسہ کہاں گیا پھر وہ جب کورٹ کرو سپریم کورٹ کے اور سب کے اور جے آئی ٹی کے ریمارکس تو کہتے ہیں جی 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 آپ تو غلط بات کر رہی ہیں جی دیکھیں آپ تو ہمیں پریشان کریں جی آپ تو ہمارے کلاس لے رہی ہیں ارے بھائی آپ نظر آیا نا وہ پیسہ جو آپ نے خربوں اربوں کروڑوں روپے جس کی بات آپ کر رہے ہیں جس کے پروجیکٹ وہ نظر بھی تو آئے دو بوندے پانی کی ڈلنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو نا جس طرح سے ہو رہا ہے ایگزیکٹلی اور ایک چیز ہوتی ہے اس طرح کی جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس ہوتا ہے اور اس ہنگامی اجلاس کے بعد وہ ہنگامی طور پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہم نے عرض کیا کہ معاملہ جو ہے وہ خود ہی سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ بارش کے بعد پانی ایک دو دن تین دن چار دن کھڑا رہے گا اس کے بعد خود ہی وہ نکل بھی جائے گا تو اس وجہ سے صرف ہنگامی اجلاس تک جو ہے وہ بات رہتی گزشتہ روز بھی ہنگامی اجلاس ہوا میڈیا کو بتایا گیا کوئی ہنگامی اجلاس جاری ہے جس میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تو ہدایات جاری ہونے کے بعد بھی جو صورت حال ہے وہ سب کے سامنے ایون کل سندھ اسمبلی میں کیا حال رہا آپ نے دیکھا 8:30-9 بجے تک سیشن چل رہا تھا اور مچھلی بازار دو گھنٹے تک تو ماس ٹرانزٹ پہ ہی بات ہو رہی تھی ایک کہہ رہا ہے کہ جی شہر کراچی جو ہے وہ صوبہ ہے ایک کہہ رہا ہے کہ جی صوبہ ہوتا تھا ایک کہہ رہا ہے کہ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ عجیب مطلب حالات ہیں یہ تک نہیں پتہ ہے منسٹر بن جاتے ہیں اور ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں پتہ تک ہوتا نہیں ہے کچھ پڑھ کر آتے نہیں ہیں بس کیا بول رہے ہیں ابھی اور کچھ کا کچھ کر رہے ہیں کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کا کچھ سن رہے ہیں عجیب اس دفعہ تو بڑا ہی تماشا لگ رہا ہے کیونکہ نہ اپوزیشن میں کوئی پڑھ کر آ رہا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہسٹری کیا ہے کیا چیزیں کیا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو حکومت میں منسٹر بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت ساروں کو نہیں پتہ ان کو دے دیے منسٹریاں ان کو نئے نئے والوں کو ایڈوائزر ٹو سی ایم لگا دیا ہے آپ نے بہت سارے اہم معاملات پہ منسٹریاں دے دی ہیں بہت سارے اہم معاملات پہ ان کو پتہ ہے نہیں ان کی تیاری کرائی نہیں ہے ان کو کچھ سمجھایا ہے نہیں اور بس وہ بیٹھ کے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں بالکل جی یہ وتیرہ رہا ہے ہمارے لوگوں کا کہ ہمیشہ
लुक बिजी डू नथिंग, यानी कि आप मसरूफ रहें काम करते हुए, ऐसा लोगों को महसूस हो कि शायद कोई बहुत ज़रूरी काम हो रहा है, 8 बजे 10 बजे तक इजलास जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस क्या है? ज़ीरो, सबके सामने है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हंगामी इजलास और बड़े लंबे तवील मुबाहिसे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा क्या रहा? हमेशा आपके सामने सिफर। तो ये सारी इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल हमारा काम है क्रिटिसाइज़ करना, और एक क्रिटिसिज्म का सामना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हमें देखने वाले, जो हमें फीडबैक देखते हैं, कराची शहर के रहने वाले, वैसे तो पूरे पाकिस्तान से फीडबैक आती है, लेकिन शहर कराची के मसाइल के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू होती है, तो इसलिए हम ये फीडबैक आप तक पहुँचाते हैं। और इस पर ज़रूर बुरा मानिए, मानने की बात भी है, क्योंकि काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और बार बार दोहराते रहेंगे। बार बार ये कहा जाता है कि जी हमने तो बड़ी कोशिशें की, आखिर में फंड्स का रोना रोया जाता है, और फिर बात एक दूसरे पे इख्तियारात के हवाले से डाल दी जाती है कि हमारे पास फलाना के इख्तियारात नहीं है, और हमें जो है वो किसी किस्म की अथॉरिटी हासिल नहीं है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मंतकी दलाइल दिए जाते हैं। लेकिन काम के हवाले से अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए ये बात है कि हमारी जो काम करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमें काम करने की सलाहियत नहीं है। इस वजह से जिनके पास सलाहियत नहीं होती वो जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। तो ये सबके लिए जितने भी अभी पोजीशंस बताई गई यहाँ कराची शहर में, जो बहुत अहम उदों के ऊपर लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद हैं, DCs मौजूद हैं, मेयर मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं, बल्दियात की मिनिस्ट्री मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद सबकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो। बिल्कुल जी, और अभी भी यहाँ देख लीजिएगा, जब बिठा के पूछ लो किसी से तो वो आगे से यही कहेगा, वो तो फलाना का मसला है, हमारा थोड़ी वो ऐसी आपको कानून साजी और लॉ पढ़ाएगा आपको, और वो आपको आईन में कोई ऐसी बताएगा, कोई गुंजाइश निकाल के कि बस यही हो गया है काम, इन लोगों ने यही पकड़ लिया और इन्होंने ये चलाकियाँ कर ली हैं, ये यही करते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हों सूबे के माजद के साथ, लेकिन चाहे कोई भी हो, इन्होंने काम यही किए हैं, ये पढ़कर आ गए, बस लॉ वॉ डिग्रियाँ विग्रियाँ लेकर आ गए, दो चार एडवाइज़र भी जो लगवा दिए हैं आजकल, बहुत बोल रहे हैं, ठीक है, सिंध के तर्जुमान बने हुए, वो पढ़ पढ़ कर आ गए, दो चार डिग्रियाँ विग्रियाँ लेके, तो वो समझ रहे हैं कि जी करते क्या है, उनका काम ही सिर्फ यही है, कुछ नहीं, वही वाली बात है कि बड़बड़ी हैं सारे, और बोलने के लिए उनको क्या क्यों बिठाया हुआ है, उनको कहा है जी खोलते रहो, उसमें गुंजाइश निकालते रहो, किसी ना किसी तरह से कानून में आइन में गुंजाइश निकालो दूसरे पे डालने के लिए, बस उनको सिर्फ रखा ही इसी पे, वो तनख्वाहें मराते हैं, काम वाम सब इसी पे ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उनको कहा आपने अपनी मिनिस्ट्री को तो टच भी नहीं करना, उसका पैसा तो कहाँ जाता है वो नजर आ ही रहा है JIT के फॉर्म में, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के स्टेटमेंट हमें नजर आ रहा है, उनको बस ये काम है कि जी आप बैठे बैठ के बस ये आइन और कानून में ढूंढते रहें कि जी कोई ना कोई गुंजाइश निकले जो वफाक पर डालें या लोकल गवर्नमेंट पर डालें या किसी और पर डालें या फलां पर डालें धमकड़े पर डालें, और बस आप कहें जी हमने तो सब कुछ कर लिया है। वो कहता है वजीर तालीम के जी 1 खरब रुपए और 1 अरब ये पैसे था, सारा था तालीम का बजट रखा था सिंध का, वो एक मैं निजी चैनल के एंकर को देख रही, वो पूछ रहा है उससे भाई बताओ वो पैसा कहाँ गया, यूं था वो नहीं बता, ये मतलब आधे से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए सिंध के, तालीम जीरो है, तुमने तालीम दी नहीं, वो पैसा कहाँ चला गया, फिर जब वो कह दो कि लांचों के जरिए गया तो हो तो बड़ा बुरा लग जाता है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है, यकीनन हमारे यहाँ हमेशा गुंजाइश जो है वो निकाली जाती रही है, और जब भी इनसे इस मौजू के ऊपर बात होती है, अब क्योंकि एक नई बहस का आगाज़ हो गया है और अब विफाक और सूबे के दरमियान एक दफ़ा फिर तनाव की सी कल इजलास में कहा है ना आप कानूनी चारा जो करेंगे, पैसे नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, और हमें बंद करो यार, जो मिल गए उसका क्या किया है तुमने, शहर का हाल देखो। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वही अब बुनियाद बनाकर सिर्फ दलाइल दिए जाएंगे, सिर्फ बयान दिए जाएंगे कि 18 अमेंडमेंट के अंदर जो है वो तब्दीली हो गई है, हमारे पास से बहुत सारे इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, जिसकी वजह से काम नहीं कर सकते, और फिर बात घूमकर एक ही जगह आ जाएगी, वो ये कि हमें फंड्स जो है वो नहीं दिए जा रहा है, और अगर नहीं मिलेंगे तो हम काम किस तरह करेंगे। बाकी सारे मामलों के लिए फंड्स जारी होते हैं यहाँ पर और वो लगते हुए नज़र भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अवामी फलाही जो काम होते हैं उसके ऊपर पैसे ना इनके पास होते हैं, ना खर्च करने की नीयत होती है, ना कोई प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग ही नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो खर्च होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी सूरत हाल है, और जैसे हम बार बार दोहरा रहे हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, जब भी यहाँ मेहमान मौजूद होते हैं तो कोई ना कोई इसके अकली दलाइल जो है वो दिए जाते हैं, कानूनी जवाब जो है उसका पेश कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बहुत माजरत के साथ आपको यकीनन नागवार गुजरेगी, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी करें तो पता ये चलेगा कि हमारे अंदर काम करने की अहलियत ही नहीं है। और फिर दोहराता हूँ कि जब अहलियत ना हो तो फिर इसी तरह के हलिये और बहाने जो हैं वो तलाश किए जाते हैं। बस भाई वो अपने माँ बाप के सियासी इनाम पर जो है आगे बच्चे लगा दिए हैं, लाला के
और वो जो है आजकल बड़े वोकल हुए हैं हर तरफ, वफाक में भी इधर उधर उधर बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी, तो जी उनको भी शाबाशी मिली हुई है हाथ के ऊपर से क़यादत का। वेल इस पर भी बात करेंगे और मज़ीद भी चीज़ें आपकी कॉल्स भी लेंगे जी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, बजरिया कॉल आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। स्क्रीन पर नंबर है और साथ ही साथ बजरिया कॉल आपको शामिल भी करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक की जाने पड़ रहे जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं स्टेडियम देखते हैं। गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कुछ खबरों के हवाले से, कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर की, और जैसे आपसे वादा था कि आज शहर कराची की जो बारिश के बाद की सूरत हाल है इस हवाले से खास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के पैगाम मौसूल हुए, बहुत सारे लोगों ने बजरिए फ़ोन कॉल प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शहर कराची के हवाले से जो शिकायात हैं वो उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे आज। और बहुत सारे पैगाम मौसूल हुए हैं तो कोशिश करेंगे कि फर्दन फर्दन उसके ऊपर गुफ्तगू करें, और कोशिश यही होती है कि मुतल्लिका लोग जिस इदारे से भी हों उनको लाइन पढ़ लें और उन चीज़ बारे में बात की। बिल्कुल जी, इस सेगमेंट में यूजुअली तो आप रोज़ाना देखते हैं कि हमारे पास आपके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वफाक और सूबे से, लेकिन अभी आज आप ही के मुंतखब नुमाइंदे जो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है उनसे आज गुफ्तगू करेंगे जी, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और जो इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ना सिर्फ शहर कराची की बल्कि जिस तरह से आपने देखा है हालिया बारिशों के बाद जो हाल हुए हैं उस पर थोड़ी सी बात करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोनिक लाइन पर, हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक फयाज साहब हैं, चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उनको खुश आमदेद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक फयाज साहब आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक फयाज साहब सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो दो तीन दिन से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हुआ है शहर कराची में खासतौर पर हो रहा है, उसके बाद जिस तरह के सड़कों का हाल और जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है बारिशों के बाद जो इस वक्त रोड पे जो सूरत हाल है, जो सड़कों की सूरत हाल है, जो अंडर बाईपास की अगर बात करें उनकी सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। हम देख रहे थे कि कल लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं सैयद गनी साहब वो भी बहुत सारी बातें कर रहे थे, दूसरी जाने मेयर कराची के भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, साथ ही साथ डीएमसीज जो है वो अपना किरदार किस तरह से निभा रही है, क्योंकि ऐसे खातिर खार अवाम की ये शिकायत मौसूल हो रही है कि सड़कों का कोई हाल नहीं है, सड़कों पे कोई पूछने वाला नहीं है। जी रिदा बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो जो हाल होता है वो अब तब आपके सामने है। मैं सब चीज़ को इससे पहले बारिश से पहले देखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि बारिश तो दो दिन पहले, बारिश से पहले अगर आप सड़कों का हाल देखते जी, ये सारा जो वजह है वो सेवरेज की वजह है। आप अगर पूरे कराची शहर में देखें सेवरेज नहीं संभल पा रहा, और खासकर जब सर्दियाँ आती हैं सर्दियों के दौरान सेवरेज का मसला बहुत संगीन हो जाता है। और मैं आपको मतलब फैक्ट एंड फिगर्स दे सकता हूँ, मैंने दो ढाई साल के अरसे में 83 कामों में 80% से ज़्यादा काम मैंने सेवरेज एंड वाटर बोर्ड कर दिया जी। इतना मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है जी कि हमारा सारा जो पॉइंट है सारा पैसा उनकी लाइनों में या सेवरेज को सही करने में लग जाता है या पानी की लाइनों को सीधा करने में लग जाता है, क्योंकि पानी की लाइनों में कंटेमिनेशन है टू सेवरेज जी। तो मैं इससे बिल्कुल बगैर किसी झिझक के मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि सेवरेज का निज़ाम हमारे कराची शहर का बिल्कुल तबाह हो चुका है। जब तक वो सही नहीं होगा आपको सड़कें भी सही साबुत नजर नहीं आएंगी। मैं आपको मतलब दसों सड़के अपने ऐसी दिखा सकता हूँ जो मैंने हाल ही में बनाई लेकिन सेवरेज ने उन्हें बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो जब तक सेवरेज का निज़ाम सही नहीं होगा, अब देखिए बारिश में बिल्कुल मानता हूँ बारिश में जो पानी होता है वो सड़कों में जो बने बरसाती नाले होते हैं उसके जरिए निकलता है, लेकिन वो बरसाती नाले एट द एंड जाके किसी न किसी सेवरेज मेन रोड में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नाले हुआ करते थे बरसाती नाले वो शहर में मुख्तलिफ जगहों में है, वो भी वहाँ भी सेवरेज का पानी चल रहा है। सही। तो जब तक ये सेवरेज का निज़ाम सही नहीं होगा ये बारिशें यही हाल करेगी आपका। ठीक है, अब हमारे लिए आप यकीन करें इतनी मतलब शर्मिंदगी की बात होती है जब भी बारिश होती है बस प्लेस हमारा भर जाता है। अच्छा मलिक साहब एक चीज़ का ज़रा तस्करा कीजिएगा, आपने बताया कि ठीक है सीवरेज की वजह से मसाइल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इस किस्म की हंगामी सूरत हाल हो तो उस वक्त अमला कहीं मौजूद नज़र आना चाहिए जो उस वक्त हंगामी इकदाम करे और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना सके और लोगों को जो दीगर मुश्किल हैं उससे निजात दिला सके,
वो भी नज़र नहीं आ रहे। आपने बारिश से पहले की बात की, लेकिन बारिश के बाद तो अमले को मौजूद होना चाहिए, यहाँ तो ना पहले नज़र आ रहा ना बाद में नज़र आ रहा, तो ये क्या सिलसिला है, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए मैं और किसी की तो बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात जरूर करूँ। जरूर कीजिए। बारिश के बाद इतवार की रात को बारिश हुई जी, डेफिनेटली वो नहीं था, इतवार की छुट्टी होती है, लोग नहीं थे बिल्कुल, इसका वो करते हैं ना, कोई पेश की इतनी खास कोई इतला दी कि इतनी बारिश हो। चंद दिनों से चंद दिन कबल यही सुनते आ रहे थे कि बूंदाबांदी हो, लेकिन बारिश ज्यादा तवक्को से ज्यादा हुई। लेकिन जब दूसरे दिन हमने लूप प्लेस किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुख्तलिफ पॉइंट है जहाँ हमारा डिप्रेशन पॉइंट होता है पानी खड़े हो, वहाँ हमारी टीमें मौजूद थी। ठीक है। अच्छा पहले ये हुआ करता था कि आपको जब लूप नजर आया करते थे तो ये जो सैनिटरी वर्कर है ये टीएमसी के पास होते थे। अब जिस दिन से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आया है यही हमारे सैनिटरी वर्कर हुआ करते थे जो बारिशों के दौरान ब्रशिंग करते थे, पानी निकालते हुए आपको नजर आते थे। अब ये हो रहा है क्योंकि ये आउटसोर्स हो गया ये सैनिटेशन का महकमा, तो हमारी वो नहीं चलती, जैसी बारिश होती वो कहते हैं आप बारिश का इंतजाम खुद करें। अच्छा। आप अपने लोग लगाएं, पहले यही लोग हुआ करते थे जो ब्रशिंग भी करते थे, जाहिर है बारिश के दौरान झाड़ू तो लग नहीं सकता, तो उनको हम ब्रशिंग की तरफ कन्वर्ट किया करते थे, वो गैप है। ठीक है। अच्छा मलिक फैयाज़ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगी और उसके बाद वापस आऊंगी, शाम में गुफ्तगु करेंगे मजीद, यहाँ पे चेयरमैन मौजूद होंगे डिस्ट्रिक्ट के, थोड़ी सी मुझे एक दो कन्फ्यूजन है वो भी जरा क्लियर करूँ मैं मलिक फैयाज़ साहब से, साथ ही रहिए, स्टे ट्यून्ड, देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे, और जिस तरह से पहले आपको बताया कि आपके मुंतखब नुमाइंदे इस सेगमेंट में हिस्सा होते हैं, यहाँ पर यूजुअली वफाक और सूबे में जो मुंतखब आपके नुमाइंदे होकर आए हैं वो आप रोज़ाना इस प्रोग्राम में देखते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा पैटर्न मुख्तलिफ है, आज बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की, जाहिर सी बात है उसको भी आप ही मुंतखब करके लेकर आए हैं, उसमें भी नुमाइंदे आप ही के मुंतखब करदा बैठे हैं, और अभी इस वक्त एक और हमारे गेस्ट हैं हमें मौजूद मेहमान ने ज्वाइन कर लिया, उनको भी खुश आमदेद कहते हैं, रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन हैं, आपको भी खुश आमदेद कहूँगी रेहान, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। टेलीफोन लाइन पर ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है मलिक फयाज़ साहब हैं जो कि साउथ चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है। अच्छा सबसे तो पहले इम्पॉर्टेंट जो अभी बात हुई थी मलिक फयाज़ साहब से, उन्हीं से ज़रा एक सवाल ले लूँ। मलिक फयाज़ साहब आपने खुद एक निशानदेही की कि जी बर्बाद है बिल्कुल सेवरेज का निज़ाम, और सेवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है, तबाह हाली का शिकार है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसको नए सिरे से जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत भी है और उस पर काम करने की ज़रूरत भी है। सवाल मेरा यही है कि डेफिनेट सी बात है कि आप लोग इंटरलिंक्ड होते हैं केएमसी से भी, और आपका फिर लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी आपके अपने ही जमात के हैं, सईद गनी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो ये जो आपकी रुदाद है या ये जो मसला है उन तक आप नहीं एड्रेस कर पाते क्या? बिल्कुल, उन्होंने खुद ही विजिट किया दो तीन दिन कबल, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपको इलाके बता दूं। जी मुझे मालूम है, वैसे आप खुद भी बता सकते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं खुद भी जहाँ रहता हूँ, लियारी का लियारी है, खारा दर है, रेडो लाइन है, ये ओल्ड टाउन ओल्ड सिटी है, जो जी ओल्ड सिटी है आपकी कराची की, वो यही साउथ में ही है, तो इन पूरे इलाकों का कल भी सही साहब ने विजिट किया, दो तीन दिन कबल विजिट किया, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, और उससे पहले भी कई दफा वाटर बोर्ड की मीटिंगों में हम बदले, लेकिन देखिए मसाइल इसके अलावा भी बहुत से हैं। अब गुज़िश्ता डेढ़ दो साल में जब भी हमने वाटर बोर्ड से रब्ता किया जी, जब भी उनके अफसरान से रब्ता किया, उनसे रब्ता नहीं हुआ, रब्ता नहीं होता था मुख्तलिफ अवकात में। अब जब भी पूछा गया कि भाई आप फोन नहीं उठाते या रब्ता नहीं करते, तो उनका एक ही जवाब हुआ करता था इस गुज़िश्ता डेढ़ दो सालों में कि हम वाटर कमीशन की कोर्ट में हैं। तो जो लोग जो इदारे हफ्ते में छह से पाँच से चार दिन कोर्टों में जाके खड़े हो जाए तो वो काम क्या करेंगे, मुझे आप ये बता। लेकिन मलिक फयाज़ साहब मेरी यही अर्ज है, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, मेरा सवाल यही है कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि दो साल से रब्ता नहीं हुआ, सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है, अंडर में है इस वक्त वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट, और जो है अभी भी इस वक्त भी इतने असर रसूख रखते हैं मिनिस्टर सईद गनी साहब कि वो वाटर बोर्ड का एमडी चेंज कर चुके हैं अपनी नाराजगी की वजह से ना। जब भी हम रब्ता करते थे मसाइल के बारे में,
जो अफसरान है वो तो कोटों में मौजूद होते थे सुबह से लेके मतलब दिन गए तक वो कोटों में मौजूद रहे जी। फिर जब वो आए तो काम क्या करते। अच्छा तो जिम्मेदारी आपके ख्याल में फिर कोर्ट्स के ऊपर जो है वो आयद होती है कि उन्होंने उनको जो है वो ऑन कॉल रखा हुआ था इस वजह से। नहीं, मैं किसी पे जिम्मेदारी आयद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि आपने नहीं। मलिक साहब देखिए मसाइल की निशानदेही हम कर चुके हैं, हम इससे आगाह हैं क्योंकि इसी शहर में रहते हैं। आप ये बताइए कि इसका हल क्या हो सकता है अगर आप चेयरमैन होते हुए और आपकी पार्टी अगर इस वक्त बरसर इख्तदार है तो अगर आपकी उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर इन तमाम चीज़ों का क्या फ़ायदा, ये बता दीजिए। देखिए ये आज जी दूसरे इदारे उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं, तो आपके काम में कौन दखल अंदाजी कर रहा है आप उसकी निशानदेही करें। देखिए नहीं, अब देखिए हमारा ताल्लुक है वोटर बोर्ड से, वोटर बोर्ड हमारे अंदर नहीं आता लेकिन वोटर बोर्ड से हमारे एक लेकर है। जब आप वोटर बोर्ड से रब्ता करेंगे हमारे काम करें, वोटर बोर्ड खुद कहीं और एक चीज है ठीक है। वोटर बोर्ड रोज हाजरियाँ दे रहे हैं, खड़े होके मुजरिमों की तरह खड़े, तो काम क्या होगा। नहीं मलिक साहब ऐसा महसूस होता है कि आप शायद वाटर बोर्ड का मुकदमा इस वक्त लड़ रहे हैं लेकिन ये हमारा मसला नहीं है। देखें बात ये है, आपने मुझसे हल जी जी आपने निशानदेही की, मैं ये निशानदेही कर रहा हूँ कि वाटर बोर्ड का काम है, वाटर बोर्ड अपने जो उनका काम है जो उसको दिया गया है वो उस पर तवज्जो दें, उसकी बेहतरी के लिए तवज्जो दें, ना सर ना ये वो पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड लेके खड़े हो कि हमने ये किया। सर अर्ज यही है कि ये तो आप ही कराएंगे ना, सूबे में तो आप ही की हुकूमत है। अरे आपके सामने कौन कौन पेश नहीं होता, एमडी आप कह रहे हैं एमडी को हटा सकते हैं, एमडी आपको पता है एमडी भी कौन लगाता है ये भी आपको पता है। सही ध्वनि साहब ने हटाया भी करंट एमडी तो अभी हटे हैं, उससे पहले तो काफी पहले की बात छोड़े सर, 5 साल से तो आप ही की हुकूमत है, 10 साल से बल्कि सूबे में सर। नहीं मैं इससे बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा कि हमारी हुकूमत सिर्फ विजिट करने से तो कुछ नहीं होगा ना, आपने कहा कि सईद गनी साहब विजिट कर रहे थे, सईद गनी साहब को कोई ये भी तो बताया कि सिर्फ विजिट करने से तो कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन लेंगे तो कुछ होगा। 15 दिन अभी छुट्टियां गुजार कर आ गए बाहर और फिर बातें इतनी सारी हो रही होती है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमने ये प्रोजेक्ट कर दिए, इतने अरब लगा दिए, इतने खरब लगा दिए, इसका जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे ना कि जब उन्होंने विजिट किया। और सर आप भी तो मुंतखब होकर आए ना, आप भी तो जिम्मेदार है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं तो आपको बता रहा हूँ की ढाई से 3 साल में वाटर बोर्ड के 80% काम मैंने खुद किए हैं। अच्छा नहीं लग ये रहा है कि आपने ये बहुत अच्छी अच्छी बात है कि आपने सीफीसत काम के पूछूंगा हाशमी सर ये बताइएगा। अच्छा एक मिनट मलिक साहब एक मिनट रुकिएगा, अभी जरा आपसे बात करते हैं, रुकिएगा एक मिनट। यहाँ हाशमी साहब जरा ये बताइएगा कि ये सारी जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो वाटर बोर्ड के ऊपर डाल दी गई कि वाटर बोर्ड ने अपना काम नहीं किया, ओवरफ्लो की वजह से जितना भी वेस्टेज है वो सड़क पर आ जाता है जिसकी वजह से जो हर्डल्स हो रही हैं, तो ये होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर बोर्ड की है। इसका पहले जवाब दीजिएगा फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि बारिश के बाद जो सूरत हाल इमर्ज होती है इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखें ये बात किसी हद तक दुरुस्त है ठीक है कि कराची के जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, जो बरसाती नाले हैं, उनको सेवरेज का नाला बना दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। वाटर बोर्ड को चाहिए था कि अपने एग्जिस्टिंग निज़ाम को बेहतर करते, रिहैबिलिटेट करते या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते ताकि सेवरेज का निज़ाम जो अलहदा निज़ाम है उसको सेवरेज का निज़ाम सेवरेज में रहना चाहिए था, बरसाती नालों में नहीं होना चाहिए था। टेक्निकली होता क्या है कि बरसाती नाले क्योंकि अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए होते हैं ठीक है, तो वो पहले से जब सेवरेज के पानी से फिल हैं जो कि नहीं होना चाहिए तो फर्दर वो इरप्ट हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ये तो टेक्निकल रीज़न है। अच्छा फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं हैं उनके लिए, फिर सेवरेज का पानी हो क्योंकि बरसात के बरसाती नालों में मौजूद है तो लोगों में कचरा फेंकने का रुझान भी है। अच्छा ये इसकी क्या मोहरिक आते हैं समझने की बात यह है, हमारी अपनी राय ये है और जिस पर हम यकीन भी करते हैं और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन जब हम फ्लोर ऑफ द हाउस थे तब भी ये बोलते रहे कि आर्टिकल 140A का इतलाक हो, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, खुदा खुदा करके थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो गए, मगर जो सही माने में आइन की रूह के मुताबिक होना चाहिए आर्टिकल 140A का इतलाक फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिवॉल्व होना चाहिए था, वो डिवॉल्व नहीं हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या यूसी लेवल्स पे। वो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब कचरा फेंकने वाले के खिलाफ आप तादीबी कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं रखते तो ये कैसा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है जहाँ पर वाटर बोर्ड
की जिम्मेदारियां बनती हैं, वहां पर सिंध गवर्नमेंट के भी दोस्तों की जिम्मेदारी बनती है। उसकी वजह यह है कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के जेर इंतजाम चल रहा है जी। एक ऑटोनमस बॉडी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट इमर्ज होकर आए, लेकिन आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट या यूसीज या बलदियाती निज़ाम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्या वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड म्यूनसिपल इदारा नहीं है? क्या मास्टर प्लान, क्या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, ये म्यूनसिपल बुनियादी इदारे हैं। सॉलिड वेस्ट, ये तमाम इदारे बलदियाती इदारे मगर बलदियात के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं हैं। एक तरफ तो हमारे दोस्त ये कहते हुए नज़र आते हैं सिंध हुकूमत के जमहूरी अकदार पर यकीन रखते हैं, तो दूसरी तरफ जमहूर के बुनियादी हकूक को सल्ब करते हुए नज़र आते हैं। डेमोक्रेसी डीप रूटेड होनी चाहिए, गलियों और मोहल्लों में होनी चाहिए कि वहाँ पर इख्तियारात हों, वहाँ पर फैसला करने की इस्तात हो, कैपेसिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हों, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्दिया ज़िला बस्ती पाकिस्तान का आबादी के तनासब से सबसे बड़ा ज़िला, हमें हम बारहा सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते रहे कर रहे हैं कि कुछ ना करें, कम अज़ कम मशीनरीज दे दें, कुछ ना करें। सॉलिड वेस्ट को जितने अरबों अरब रुपए आपने मख्तस किए, उसका आधा से आधा से आधा पैसा भी मख्तस कर दें तो हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैकलॉग को लिफ्ट कर सकते हैं और उसको टाइमली लिफ्टिंग का एक मैकेनिज्म बना सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके दे दें, मशीनरी एक्वायर करके दे दें, हम आपको हार भी बनाएंगे, फूल भी बनाएंगे, आपके हाथ से इफ्तिता करवाएंगे। लेकिन ना जाने वो कौन सी वजूहात हैं कि किसी सूरत में तैयार नहीं हुए। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं मजबूत सोच के साथ आज भी पूरी उम्मीद हूँ, मगर इस उम्मीद की बुनियाद पर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। वसाइल नहीं थे बल्दिया ज़िला बस्ती के अंदर, वो तमाम चोकिंग पॉइंट्स के जो माजी का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप एनालाइज करते हैं माजी के एक्सपीरियंस से, डीके मोड़ हो गया आपका, काला स्कूल हो गया, पावर हाउस चौरंगी हो गई, नागन चौरंगी हो गई, केडीए चौरंगी हो गई, ताहिर विला हो गया, ये वो चोकिंग पॉइंट थे जहाँ पर दो दो दिन तक पानी जमा होता था। इस बार हालांकि बारिश उस तरह नहीं हुई, दो दिन तीन दिन की नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हमने ट्रबल शूटिंग कर दी थी तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हाल बता ये ज़रूर है कि अनफोर्सीन को जो इश्यूज़ थे हमारे, जैसे कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ट्रेंचेस बैठ गई कहीं पर, अंडरपास के अंदर अगर कचरे की वजह से पंप्स ने काम करना एक दो घंटे के लिए छोड़ा, तो उसकी वजह से मसाइल तो आए हमें, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसे मसाइल नहीं थे कि जिसकी वजह से कहीं पर ट्रैफिक का फ्लो मुतासर हो। और देखिए ट्रैफिक का की रवानी में फर्क आता है। रेहान क्या बात कर रहे हैं आप, देखें कल भी लोग चार चार घंटे फंसे रहे, शायद आपने देखा नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल की बात भी बता रही हूँ, नॉर्थ में लोगों का बुरा हाल था, वहां से इतनी कंप्लेंट आ रही थी नाजाबाद। अच्छा मैं एक चीज बताना समझना चाह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहां पर बर्फबारी हो चाहे बारिश हो, 80 की स्पीड में आम हालात में चलने वाली गाड़ी क्या बर्फबारी में 80 की स्पीड में चलेगी? डेफिनेटली नहीं, भाई चलेगी। नहीं होता ना। पॉइंट इज कि वहां जितनी रिकॉर्ड थोड़ मौसम के बुरे हालात भी हैं, इतने तो यहाँ पे नहीं होते, एक छींटा पड़ा और उसमें हालत ऐसी हो गई। इसको कहते हैं यूटोपिया, ये ज़हनी इख्तरा है। हम जब अपने लिबास में तब्दीली कर देते हैं बारिश की वजह से, रेन कोट पहन लेते हैं, तो सड़क पे भी तब्दीली होगी, गाड़ी की ट्रैफिक के स्पीड में भी तब्दीली होगी। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? लेकिन जब होगी ना, मसाइल तो है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई हो, रिकॉर्ड तोड़ सुन, बारिश रुक नहीं रही है, थमने का नाम नहीं है। आप अगर चाहती हैं कि कराची में बारिश हो और आप 80 की स्पीड में जिस तरह रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक ऑफिस आती हैं उसी तरह ऑफिस से, नॉट पॉसिबल। छोटी सी चीज ऐड कर लूं, मसाइल तो मौजूद है। देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, लेकिन आपका पेस स्लो है। मैंने उसके मुहर्रिकात बता दिए, जो मोटिव्स हैं, तो पहले तो आपके पास ही था, आप लोगों ने क्या किया, आपको उस वक्त नजर नहीं आ रहा था कि निजाम को कैसे स्ट्रक्चर को डेवलप करके जाना है? देखें जब हमारे पास था, जब मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ को आप बहुत बुरा भला कहें कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम मुशर्रफ दौर की मिसालें आज भी दी जाती हैं। पहली चीज तो आपके आपकी इस मफरूजे का एंटीथीसिस मैंने आपको दे दिया। दूसरी चीज ये कि कराची से इलेक्ट होने वाला शख्स, चाहे वो मलिक फयाजी क्यों ना हो, वो अपने इलाके की किस्मत का फैसला करने से कासिर है। अर्बन सिंध की किस्मत का फैसला वो करते हैं जिनके स्टेक्स नहीं है अर्बन सिंध से। हमारा जो दौर इख्तदार कुछ अरसे का रहा, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती है। हमने
हमने ही के फोर के मंसूबे को फेडरल गवर्नमेंट के जरिए, हालांकि बहुत देर से शुरू हो रहा है, उसको हमने ही 50% ग्रांट एलोकेट करवाई। हमारे दोस्तों ने क्या किया सिंध गवर्नमेंट के, कराची में पानी की अशद ज़रूरत है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और आने वाले दिनों में पानी के ऊपर वो मसाइल होंगे जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकती हैं। वाटर कंजर्वेशन के हवाले से क्या हुआ, पानी की लीकेजेस के हवाले से क्या हुआ, पानी की लाइन के ऊपर आप लोगों ने क्या किया? मैंने तो बता दिया आपको, हम तो पिटते रहे, हम तो गिरफ्तार होते रहे, हमारे ऑफिसेस बंद होते रहे। आप मतलब अभी भी देखें, नहीं अभी भी देखें, वफाक के साथ आपकी का इत्तेहाद है, आप वफाक में बैठे हैं, मिनिस्ट्रियां आपके पास हैं, मजीद रूट रूट के और मिनिस्ट्रियां ली जा रही हैं, लेकिन आवाम के लिए क्या काम हो रहा है? फिर आप शायद आप समझ नहीं पा रही, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वफाक का सब्जेक्ट नहीं है प्रोविंस, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बता रही हूँ कि आप अपोजिशन में सिंध हुकूमत के गठजोड़ करके बैठे हुए थे साथ में, आप हमेशा उनके साथ बैठे, हमेशा साथ बैठे। जरूर समझा, बिल्कुल। कोई एक ऐसी पार्टी का नाम बताएं जो इलेक्शन में कंटेस्ट करे और बोले भाई हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, कोई एक पार्टी का नाम बता दें, मैं मुतमईन हो जाऊंगा आपके इस बात से, मुतमईन हो जाऊंगा। ठीक है, इलेक्शन लड़ा इसलिए जाता है कि कॉलिजन बनाया जाए और सर्व किया जाए, जिस तरह मुशर्रफ दौर में आपने देखा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि फेडरेशन और प्रोविंसेस के जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड प्रोविंशियल अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम काम कर रहा है। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, चाहे वो मौजूदा हो, उससे पहले की हो या उससे पहले की हो, उसी के मुंतखब नुमाइंदों ने ही मुख्तलिफ फोरम पर मुख्तलिफ औकात में कराची और अर्बन सिंध के बारे में बात की? अच्छा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कराची में कोई भी रहता हो। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कराची में बेहंगम अंदाज में फैलने वाली आबादी के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही थी जिसने बताया अनमैनेज्ड आबादी। तो हम पे इल्ज़ाम लग गया कि जनाब ये लसानियत की बात कर रहे हैं, बाखुदा कोई लसानियत की बात नहीं थी। आज उसके असरात नजर आ रहे हैं कि आपकी पानी की लाइनों में आबादियां बढ़ गई, आप हटाने से कासिर हैं, आपकी सेवरेज की लाइनों में आपके नालों के अतराफ आबादियां बढ़ गई, आप हटाने से कासिर हैं, आप उनको डिग्निफाइड अंदाज में कहीं और रिलोकेट करने से कासिर हैं। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उस वक्त को याद करें 8-10 साल पहले का, जब हम कह रहे थे और हम पे इल्जाम लग रहा था कि लसानियत की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे हम लसानियत की बात, अच्छा, हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कर रहे थे। कराची की 55% आबादी कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, 45% रह गई है आपकी वो टैक्स पेयर आबादी। अच्छा रियान, इसकी बेस ये बन रही है क्योंकि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की आपने बात की ना, उसकी वजह ये कि शहर कराची के डायनामिक्स सिंध के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ, ये बात आप तस्लीम करते हैं ना? आपने जैसे कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो जाता है, कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जो यहाँ पर स्लो हो जाता है तो इस शहर के डायनामिक्स दूसरे शहर से मुख्तलिफ है। यहाँ पर अगर आप एवरेज अगर इसका निकालें, इसको एवरेज आउट करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक में डिले होता है तो यहाँ लाइफ लॉसेस पड़ जाते हैं, यहाँ पर आपके कैपिटल लॉसेस पड़ जाते हैं और बहुत सारे और दीगर प्रॉब्लम्स आते हैं जो दीगर शहरों में नहीं आते। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपको एम्पावर किया गया तब आपने डिलीवर किया, उसके अलावा अगर आपको हाफ अगर पार दी जाती है, अगर उससे कम दी जाती है तो वो कैपेसिटी या वो विल नज़र नहीं आती, ये क्या बात है? और उस दौर के अंदर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आप पोजीशन में भी थे, उस मॉड में भी थे, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने देखा कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में ज़रा बता दें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैपेसिटी की भी बात है, लेकिन जहाँ पर विल की बात करें आप, हमारे पास मसाइल नहीं थे। अगर मेरा आप ट्विटर हैंडल ट्विटर को ब्राउज करें, सुबह से और कल रात से हम सड़क पर थे, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थी हमने उसको बरूए कार लेकर आए, हम सड़क पे मौजूद थे, हमारे मुंतखब हक परस्त नुमाइंदे सड़कों पे मौजूद थे, जो भी कैपेसिटी थी हमारी, ठीक है, हमारे लिए एक्सक्यूज किसी भी सूरत में नहीं। यही तो ओनरशिप है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कम अज़ कम अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करके उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, कर रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं ना, यही फ़र्क है, यही नुमाया फ़र्क है जो हमें आज तक सर्वाइव जिसने रखा हुआ है, वरना तो सफाई हस्ती से मिटाने के दर पे हैं। ये विल है हमारी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ इसी विल की बुनियाद पर ही चीज़ें आगे चल रही हैं। ये इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, ये हमारे लिए एक्सक्यूज़ किसी भी सूरत में नहीं है। इसमें कोई ज़रूर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप प्लानिंग की बेसिकली बात कर रहे हैं। देखें, किसी भी माशरे में अर्बन प्लानिंग की जाती है, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट अब आ चुका है, 5 years 10 years प्लान किया जाता है, उस प्लान के मुताबिक आबादी का इनफ्लो होता है, आबादी की रिलोकेशंस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन होती है। बदकिस्मती क्या है कि जो लोग स्टेक रखते हैं, एक तरफ तो बिल्डिंग कंट्रोल ने परमिशन दी हाई राइज की, दूसरी जानब कराची वाटर एंड सीवरेज ने
एनओसी भी दे दी, जहां पर 50 आदमी रहते थे आज वहां पर 500 आदमी रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, कौन कंट्रोल करेगा, ये तो हमारे पास नहीं था या नहीं था से मुराद ये नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, मैं तो आपके फोरम पे भी बोल रहा हूँ, अगर लिटिगेशन में जाना होगा उसमें भी करेंगे, लिटिगेशन तमाम चीज़ों की हुई हुई है, कानून के ऊपर इन्फोर्समेंट कौन कराएगा, ट्रैफिक का फ्लो देखें, पुलिस बहुत काम कर रही है खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लेकिन और अभी जो खासतौर पर जो उनकी क़्यादत है पुलिस की खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से वो विल नज़र आती है, लेकिन देखें रिफॉर्मेशन की रिजिड हार्श रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अच्छा रिजिड और हार्श की इसलिए बात कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट अगर आता है सामने तो वो सियासत की नज़र हो जाता है, क्योंकि हमारे अमूमी तौर पर इदारे डीपॉलिटिसाइज नहीं है, तो आप अकाउंटेबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, ट्रैफिक का फ्लो मुतासर होता है, बसें जिस दिन बस स्टॉप पर पार्क होना शुरू जाए और सवारी को बस स्टॉप से उठाना शुरू कर दें, आप मुझे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कराची का कोई स्टॉप ऐसा नहीं है जो कि ऑपरेशनल हो, तमाम जगहों पर सड़कों पर गाड़ियां बसें पार्क करनी जाती हैं और लोगों को उतारा जाता है। ठीक है मलिक फयाज साहब की जानिब आऊंगी, मलिक फयाज साहब आप बताइएगा, रेहान हाशमी साहब की बातों से इन शॉर्ट समराइज ये निकल रहा है कि जी सूबे की गलती है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेक है, इनके पास स्टेक नहीं है, इख्तियारात नहीं है, अगेन वही वाली बात आ गई है, आप चूंकि पीपल्स पार्टी का जाहिर सी बात है आप भी हैं तो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा, लेकिन वही अगेन लेकिन आप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो क्या अंदर बैठ के अंदरूनी तौर पर भी कभी ऐसा भी होता है, घर में भी दो लोग बैठे होते हैं आपस में कहते तो हैं फलां काम नहीं हो रहा इसको जरा देख लो, क्या ऐसे भी कोई बात नहीं होती, ऑफ रिकॉर्ड भी कोई बात नहीं होती कि जी खुदारा इस मामले को देखा जाए या इसको सेटल किया जाए? देखिए मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड तो बिल्कुल होती है, मैंने तो आज आपके सामने बॉर्डर पोस्ट का जिक्र किया, उसकी कारकर्दगी का जिक्र किया, ऑन रिकॉर्ड किया, मतलब आपकी हुकूमत ही फिर इसका मतलब है कि कसूरवार ठहरी जाएगी? नहीं ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन देखिए जो रेहान भाई ने बातें की जी हुकूमत की, आपने खुद उनके बहुत सी बातों का जवाब भी दिया जी, ये भी तो हर हुकूमत का हिस्सा रहे जी, ये प्लानिंग आज से पहले क्यों नहीं हुई, आज भी फोकस किया जा रहा है कि आज की हुकूमत ने करना है। बात देखिए ये जो चीजें है ना रियान की बातों से मैं बिल्कुल इतफाक करता हूँ, आपका जो ये लोकल बॉडी थ्री लेयर ऑफ जो गवर्नेंस का सिस्टम है जब तक ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा ये मसाइल आपके हल नहीं होंगे, जो इख्तियारात है या जो इदारों को डिवॉल्व होना चाहिए जब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा एक तसलसल के साथ तो ये चीजें बेहतर नहीं हो पाएगी। अच्छा आप भी समझते हैं कि पावर डेवल्यूशन होनी चाहिए लेकिन इसके ऊपर आप एक्टिव नजर नहीं आते, ये क्या बात है, इसके ऊपर तो आपका भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होना चाहिए कि अगर आप समझते हैं। ये बताइए रिजल्ट आया है कुछ? देखिए रिजल्ट आएगा, मैंने जैसे सर कब आएगा, 10 साल हो गए आपको सूबे में, 10 साल जी, इस दस साल में ये पहली लोकल गवर्नमेंट है, ये 10 साल में ये पहले वो भी 3 साल हो गया जी 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 जी, इससे पहले 2001 में आई, 2009 के बाद फिर इसे समेट दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, फिर ये 10 साल के वक्त के बाद फिर 2015 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए जी, जब तक ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम नहीं चलेगा ये जो म्युनिसिपल जो इश्यूज है ये हल नहीं हो पाएंगे। अच्छा मलिक फैज साहब दिल पे हाथ रख के बताइए, फिर खुद दिल पे हाथ रख के बताइए, चूंकि अब आप हिस्सा है ना लोकल गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा और फिर लोकल गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन गए, क्या ये जो बातें करते आए हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, क्या ये इनके जो यूसीज के चेयरमैन या ये डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो ये शिकायतें कर रहे हैं, जो फंड्स का मसला है, जो क्या वाकई वो है सिंध हुकूमत की नाअहली है, सिंध हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही? नहीं देखिए कोऑपरेट नाअहली नहीं कहूंगा, बहुत चीजें मैं मानता हूँ, पैसे मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, नहीं जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहे, लेकिन बहुत नहीं मिल रहा है, ठीक है जिस तरह होने चाहिए, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि मशीनरी के हवाले से और जो सिस्टम के हवाले से चीजें होनी चाहिए, क्या वो हो रही है, क्या वो उसमें सिंध गवर्नमेंट तावन कर रही है? देखिए सॉलिड वेस्ट की बात की गई ध्यान जी, इस शहर का एक बहुत बड़ा इशू तो सफाई का भी रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो ये काम सौंपा गया इसका सबसे पहले इनिशिएटिव हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में लिया,
ठीक है, पहली करारदाद हमने पास की, पहले पहले हम हमारा डिस्ट्रिक्टर जो हमने इनको दिया इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि नया इंतजाम आएगा बेहतर होगा, सेहत और सफाई का निजाम बहुत जैसे और मुल्कों में होता है कचरे से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता पत्नी क्या है यहाँ जो इदारे वो क्यों नहीं हो पाया। मैंने बिल्कुल सही कहा, ये जो रकम अभी खर्च की जा रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, और हमने कहा भी है बहुत दफा कहा है, मैंने खुद लिखे मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ जी, इसका आधा आप हमें दे दें, आधा आधे से भी कम दे दें। ठीक है, नहीं मुझे हैरानी भी हो रही है, मेरा आपके साथ हमदर्दी भी है क्योंकि आप खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और आप जब खुद बता रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल है तो फिर मुझे बहुत हमदर्दी है जी, हकीकत एग्जैक्टली। अच्छा ये मलिक आवान साहब, क्योंकि आप खुद इस वक्त बड़ी फयाज साहब जो आप बड़ी वल्नरेबल पोजिशन में है रिया साहब, तो इसके ऊपर अभी आपसे जरा बात करते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। रेहान हाशमी ये तो तमाम चीज़ों को कन्फेस कर रहे हैं और टेक्निकली स्पीकिंग 148 की बातें नहीं करते और इस चीज़ को रियलाइज भी कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, अगर आगे जाकर ये प्रॉब्लम होती है और ये खुद इलेक्ट होकर अगर दोबारा आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो फिर क्या इन चीज़ों को डिवॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि अभी जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे कि उनको जो है तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड तो इन तमाम चीज़ों को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम थी। देखें पाकिस्तान में पूरी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अभी तो हमने शायद ये भी डिसाइड करना है कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए दोबारा या पार्लिमानी निज़ाम चाहिए हमें, हमें तो ये भी डिसाइड करना है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वन यूनिट से टू यूनिट, टू यूनिट से फोर यूनिट हुआ है, अब फोर यूनिट से क्या 20 यूनिट्स पर जाना है हमें, हमें तो ये भी डिसाइड करना है कि हमें कौम को किस तरफ लेकर जाना है। हमारा निसाब आज तक एक नहीं हो सका कि केपीके की ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी और माइंडसेट की डेवलप होकर आएगी आपके सामने 10 साल के बाद और कहीं सिंध की कोई और प्रोडक्ट होगी, तो अब तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, हालांकि हमें आज़ाद हुए हुए ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, लोग कौमें तो बनती हैं डेढ़ डेढ़ दो दो सौ सालों में, हमें 70 साल हुए हैं 70 साल, हम इरतकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये है हमारे लिए खित्ते के लिए कि पाकिस्तानी कौम मिनहसुल कौम जितनी जल्दी लर्न कर ले, अडॉप्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, सर्वाइव कर जाए, उतनी ज्यादा हमें हमें हमारी बका में और उसको प्रोलॉन्ग रखने में आसानी होगी। अच्छा अभी आप मुझे एक चीज बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बस आखिरी मिनट चल रहा है कि अभी आप लोग क्या इनिशिएटिव आगे होगा इन मामलों के लिए, मजीद कोई सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर किया जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू करवाएंगे आप अपनी अपर लीडरशिप से या क्या किस तरह से, या वफाक को प्रेशराइज करेंगे मजीद, क्योंकि आप लोग हमेशा से वफाक के साथ तो आपकी दोस्ती रही है, चाहे वो नून लीग की कर लें बात क्यादत की या पीटीआई की अब बात कर लें, या आपको तो एक एक बेनिफिट एक एज रहा है कि वफाक के साथ आपकी दोस्ती रही है। देखिए बेनिफिट इन टर्म्स क्या हो सकता है, वफाक से और यूनिवर्सिटीज के हवाले से हो सकता है या जॉब एलोकेशंस के हवाले से हो सकता है। मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट है, आप जैसे पहले ही 25 अरब का पैकेज जुबैर साहब ने अनाउंस किया था, वफाक ने अनाउंस किया था, देखिए कराची को बदकिस्मती से कराची पैकेज के लिए तो बहुत इन्होंने भी बात की है, अब कराची पैकेज वो हमारे पास तो नहीं दिया जाएगा ना, हम तो सिर्फ इस बात को अश्योर करना चाहते हैं कि कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से क्या वफाक मदद करेगा माजी में लास्ट टेन्योर में, ये जो अभी ऑनगोइंग चीजें हैं वो तमाम चीजें लास्ट टेन्योर की हैं, जो कि सिर्फ वही है, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, K4 का मसूदा 50%, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज, ये वादा कर रहे हैं, क्या ये वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे, तो हम एक लार्जर स्केल पर मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं कि कराची अर्बन सिंध के लिए आप वफाक की तरफ से क्या चीज आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की तरफ से क्या आ सकता है, लेकिन डिवॉल्व होना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, चेक्ड होनी चाहिए, काउंटर चेकिंग करें। वन लास्ट वर्ड मलिक फयाज साहब, आपसे भी आखिरी वन वर्ड चाहूंगी मैं, मुझे बता दीजिए क्या सईद गनी साहब से कोई अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए वो तो हम तो उनसे रोज मिलते हैं, मैंने जैसे पहले कहा रोज मिल रहे हैं फिर भी हल नहीं हो रहे मामला, अफसोस की बात है, हमदर्दी है मुझे आपसे। नहीं हमदर्दी से आप बहुत मेहरबानी आपकी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जब तक ये जो निजाम है ये तसल्लुस के साथ जारी नहीं रहेगा तब तक ये चीजें सही नहीं हो पाएंगी। सर ये भी आप लोगों ने रियलाइज नहीं किया, चलें कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये रियलाइजेशन हुई है वरना ये भी नहीं थी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक फयाज साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया रेहान आपका, रेहान हाशमी साहब आपका, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन, दोनों मेहमानों का, मौजूद मेहमानों का हमारा बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। यह आपके सामने है सिंध गवर्नमेंट के अपने ही नुमाइंदे कह रहे हैं कि जी क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, तो अब मैं इसके आगे शायद मैं कुछ बोलूं तो बहुत बुरा लग जाएगा
अपर लीडरशिप तक बात चली जाएगी और फिर जो है वो बातें होंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, आपके अपने नुमाइंदे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है, सिद्धनी साहब आपके साथ भी मुझे बहुत हमदर्दी है। मिल जाते थे आज के वार्डरोब की बात करें, आज वार्डरोब स्पॉन्सर के विश्वास कलेक्शन है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल गाइस। बिल्कुल जी, इसी के साथ प्रोग्राम का खत्म हो रहा, वही हुआ जो हर बार होता है, आप पाकिस्तान में किसी भी शख्स को, किसी भी ओहदे पर फाइज आदमी को जब पूछेंगे कि ये काम जो उसके जिम्मे आता है उसने क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब आगे से आता है कि मैं थे मालिया। तो यही आज भी हुआ कि आज भी कोई जवाब नहीं आया। मसाइल सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन हल करना किसने है, जिसे भी आप पूछेंगे उसका जवाब कि उसको इस बारे में नहीं पता। तो इसी के साथ प्रोग्राम का खत्म, लेकिन आपके मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती और गुजरनी चाहिए, वह चीज़ को समझें कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिलीवर करेंगे तो उनका सर्वाइवल होगा। बहरहाल कल इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ, नए मौजूदात के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। मोहम्मद यासिर और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।